हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर इस कॉलेज के लेटेस्ट कट ऑफ्स, ताकि गाइज़ आपको ये पता चल जाए कि कितने परसेंटाइल पे आपको इस कॉलेज में कौन सी जो ब्रांच है वो मिल सकती है। साथ ही में गाइज़ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस कॉलेज के इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है वो भी बताऊंगा, और ये भी हम देखेंगे कि इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको इस कॉलेज के कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो बता देता हूँ। तो इस कॉलेज का इंस्टीट्यूट कोड है 4012। इस कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1914, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है। साथ ही में अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें गाइज़ तो एकदम प्राइम लोकेशन पे है, और जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत बढ़िया है। नियर बाय रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड काफ़ी पास आपको मिल जाएगा। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के आसपास जो एयरपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटी भी गाइज़ आपको इस कॉलेज में मिल जाएगी। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, बट जो नंबर ऑफ़ सीट्स है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए वो कम रहती है। तो मेरिट वाइज आपको यहाँ पे जो हॉस्टल है वो मिल सकता है। इस कॉलेज का मैंने डिटेल में जो कैंपस टूर वीडियो है वो भी बनाया है, जिसमें आप पूरा जो कैंपस है इस कॉलेज का वो देख सकते हो। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर स्टेटस की बात करें गाइज़ तो ये एक कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, साथ ही में ऑटोनॉमस भी है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्टेटस है। अगर माइनॉरिटी की बात करें तो नॉन माइनॉरिटी में ये जो कॉलेज है वो आता है, और मेरे हिसाब से गाइज़ ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है महाराष्ट्र में, जहाँ से आप अपना जो डिप्लोमा कोर्स है वो कर सकते हो। अगर ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पे गाइज़ आपको काफ़ी सारे ट्रेंड्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 15 अलग अलग ट्रेंड्स है, जैसे सिविल, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रिकल, ईएनटीसी, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, ट्रैवल, टेक्सटाइल, मैकेट्रॉनिक्स, एआई, ये सारे जो ट्रेंड्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है, और अगर आपको जो भी नए नए कोर्सेज करना होगा वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, और जो इनटेक है वो भी अच्छा खासा है। सीएसआईटी में जो इनटेक है वो थोड़ा कम है, जैसे आप देख सकते हो 60 स्टूडेंट्स का ही जो इनटेक है वो रहता है, तो जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो कट ऑफ्स है वो भी हाई जाते हैं। सिविल और मैकेनिक्स और ईएनटीसी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 120 का इंटेक है। साथ ही में ईएनटीसी के लिए यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी एक्स्ट्रा 30 सीट्स जो है वो रहने वाली है, तो उसका भी आप जो बेनिफिट है वो ले सकते हो, और थोड़ी कम परसेंटेज में यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। पूरा अगर हम इंटेक देखते हैं तो गाइज़ तो 890 का जो इंटेक है वो इस कॉलेज का है, और जो कॉलेज है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की हम बात करें गाइज तो जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है। गवर्नमेंट कॉलेज होने के कारण गाइज जो फ़ीस है वो भी आपको यहाँ पे कम पे करना पड़ेगा। तो ये पूरी टाइप्स ऑफ फीस है और ये अदर फीस है, कुल मिला के आप जो टोटल फीस है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। SC ST के लिए ऑलमोस्ट 6000 के आसपास है, और ये जो फीस है वो अपडेट होती है हर साल, ठीक है, तो ये अपडेटेड नहीं है। तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो एक बार फीस स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूर से चेक कर लेना। फिर ये OBC EWS के लिए 8 या फिर 9000 के आसपास है, और जो ओपन स्टूडेंट्स है इनका ऑलमोस्ट 11000 के आसपास हमें यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल रहा है। बस फीस स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लेना, थोड़ा जो फीस स्ट्रक्चर है वो अपडेट होता रहता है। तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स और फीस स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है, अब देखते हैं गाइस इस कॉलेज के लेटेस्ट कट ऑफ्स। तो ये है गाइस 21-22 के लेटेस्ट कट ऑफ, सो ध्यान से देखना, और अगर आपको कट ऑफ बढ़िया तरीके से पता होते हैं तो आप अपना जो फॉर्म है वो भी सही से भर पाओगे, और हो सकता है कि आपको जो कॉलेज है वो इजीली मिल जाए। इसलिए ध्यान से सुनना, और ये भी देखना कि कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो कितने जा रहे हैं। मेनली गाइस मैं आपको यहाँ पे जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट के जो कट ऑफ्स है वो बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो एडमिशन है वो नागपुर के स्टूडेंट्स यहाँ पे लेते हैं, अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे पहली ब्रांच है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, इसका जो इनटेक है वो काफ़ी है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी आपको देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। तो आप देख सकते हो जनरल ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो गया था 81.40% फर्स्ट राउंड में। अगर आपको इसके ऊपर अगर परसेंटाइल होते तो ईजिली आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल जाता। SC का है गाइस यहाँ पे 71.80, तो 71 स्कोर करना 10th में थोड़ा इजी मैं मान सकता हूँ, तो इजीली आपको मिल सकता है। फिर है ST 63.80, फिर है गाइस OBC 74.80% हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सिविल के काफ़ी कट ऑफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इनटेक वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज भी आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पे देख सकते हो, साथ ही में स्टेट लेवल का जो कट ऑफ है वो भी 83 के आसपास हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइस यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि 60 का ही जो है वो इनटेक रहता है। ओपन का गाइज आप देख सकते हो 93.80% जो कट ऑफ है वो गया था, इसके ऊपर अगर होते तभी जाके आपको यहाँ पे जो है वो एडमिशन मिलता, और सेकेंड राउंड में भी जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं आता है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कट ऑफ है। साथ ही में फिर SC का देख सकते हो 92.20,
ठीक है, ओपन और एससी में बहुत ही कम डिफरेंस है, बहुत ही कम कॉलेजेस में ऐसा होता है कि ओपन और एससी के बीच में बस इतना कम डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट है गाइस ओबीसी, यहाँ पे भी देख सकते हो 92.60 के आसपास जो कट ऑफ है वो जा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे सीएस चाहिए तो बहुत ही बढ़िया जो स्कोर है वो करना पड़ेगा, तभी जाके गाइस आपको यहाँ पे जो है वो सीएस में जो एडमिशन है वो मिल सकता है। फिर नेक्स्ट ब्रांच हम देखते हैं, नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे देखो जिसमें एक्स्ट्रा होता है जैसे अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे है, और जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो हमें यहाँ पे ऊपर देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट है, इनका चेक कर सकते हो, इनका और भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे आईटी का, तो आईटी का आप देख सकते हो गाइस होम डिस्ट्रिक्ट का 91.40 हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर आपको होते तभी जाके आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिलता। सेकेंड राउंड में थोड़ा बहुत कम हो सकता है बट बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। फिर है गाइस एससी, ये है 90.60, और फिर है गाइस यहाँ पे ओबीसी 90.20 हमें जो कट ऑफ है आईटी का वो देखने को मिल रहा है। अगर हम अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं तो आप देख सकते हो इसका और भी ज़्यादा जाता है, 93.20 परसेंटाइल, एससी का 84.40, और फिर आप ओबीसी का देख सकते हो 92.60 परसेंटाइल के आसपास जो कट ऑफ है वो गया है। फिर नेक्स्ट हम ब्रांच देखते हैं, यह है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, होम डिस्ट्रिक्ट का जाता है 84.40। इतना कट ऑफ गाइज आपको नागपुर के बाकी कोई भी डिप्लोमा कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सभी कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगा, तो आप इसको फर्स्ट ऑप्शन पे रख सकते हो, इस कॉलेज को लगा तो सही, नहीं तो नीचे के कॉलेज लगेंगे। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो एस सी 78.00, फिर ओ बी सी 82.40 परसेंटाइल में यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया कट ऑफ जाता है। फिर नेक्स्ट ब्रांच अब हम देखते हैं, यह है ENTC होम डिस्ट्रिक्ट सीट्स, 80 के ऊपर ही हमें देखने को मिल रहा है ओपन का, एससी का 69 कम है, ओबीसी का 78 के आसपास हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट ब्रांच अब हम देखते हैं, तो ब्रांचेस भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको एक ब्रांच नहीं मिलते तो दूसरे में भी ले सकते हो। फिर ENTC फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, तो इसमें कंपटीशन कम रहता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही जाते हैं, तो आप देख सकते हो ओपन का 48.717 परसेंटाइल स्टेट लेवल में देखने को मिल रहा है, EWS का 84.40। ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्रांच हम देखते हैं, यह है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें भी थोड़ा कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, 76.0 है यहाँ पे, एससी का 51.20, ओबीसी का 72.60 हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है यहाँ पे वो देखते हैं, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका भी इनटेक काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर कट ऑफ ज़्यादा भी होता है तो सेकंड राउंड में कट ऑफ जो है वो कम होने के जो चांसेस है वो अच्छे खासे रहते हैं क्योंकि इनटेक ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो ओपन का 84.80 है, एससी का 74.60, और ओबीसी का आप देख सकते हो 75.60 परसेंटाइल कट ऑफ देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं, तो मैकेनिकल का ज़्यादा है तो शिफ्ट वाइज भी हमें कट ऑफ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं, यह फिर यहाँ पे मेटलर्जी, तो इसमें कम कंपटीशन रहेगा, स्टेट लेवल 67 परसेंटाइल है, ओबीसी 66.60 है, और TFW 62 परसेंटाइल में जो है वो देखने को मिल रहा है, तो इसमें इजीली एडमिशन मिल जाएगा। माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग, तो इसका भी कट ऑफ अच्छा देखने को मिल रहा है, 84 है ओपन का, एससी का है 80.40, और एसटी का आप देख सकते हो 68, और लेडीज़ ओपन का 79 के आसपास जो कट ऑफ है वो जा रहा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज़्म, इसका भी कट ऑफ कम है, ठीक है 48.60 है, और लेडीज़ ओपन का आप देख सकते हो 57.60 जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, तो टेक्सटाइल करना है तो यहाँ से मैं तो यही बोलूँगा बेस्ट ऑप्शन है, 69.20 ओपन का देखने को मिल रहा है, ओबीसी का है 64.80, लेडीज़ ओपन का है 75 के आसपास। ठीक है, तो टेक्सटाइल यहाँ से आप कर सकते हो, बढ़िया ब्रांच है यहाँ की। मैकेट्रॉनिक्स अभी अभी आई है, ठीक है, तो अगर इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें भी आप जा सकते हो। आप देख सकते हो ओपन का है 80.80, एससी का है 72, और ओबीसी का है 79.00, तो अच्छा खासा कट ऑफ है। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे AI, तो AI भी काफ़ी ट्रेंडिंग में, इसका भी जो कट ऑफ है वो IT और CS के आसपास जाएगा, तो अगर आपको IT CS नहीं मिलता है तो आप AI एंड मशीन लर्निंग ले सकते हो, तो इसका है 88.80 परसेंटाइल, एससी का है 78, ST का है 66, और OBC का है 88.20। ठीक है, तो ये थे गाइस यहाँ के लेटेस्ट कट ऑफ GP नागपुर के, और AI और जो मैकेट्रॉनिक्स है वो न्यू ब्रांचेस है, तो आप देख सकते हो अगर CS IT नहीं मिलता है तो AI के लिए भी आप जा सकते हो। तो ये थे गाइस GP नागपुर के ओवरऑल कट ऑफ्स, और जैसे कट ऑफ्स है मैं तो यही बोलूँगा कि CS IT अगर आप सोच रहे हो तो आपको काफ़ी बढ़िया जो स्कोर है वो करना पड़ेगा, 92-93 के आसपास अगर रहेंगे तो ईजिली आपको जो कॉलेज है वो मिल सकता है। अगर मैकेनिक्स ENTC और ये सारी ब्रांच लेना है तो 80s में भी अगर आपको रहते हैं तो आपको ये जो कॉलेज है वो मिल सकता है, और जितना मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, तो अगर आप
करना चाहते हो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज, और अगर आप नागपुर से ही हो तो ये फर्स्ट ऑप्शन पे आपका जो कॉलेज है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।